शहर में विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार नगर परिषद विकास कार्यों में तो विफल हो ही रही है, लेकिन भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के सुचारू संचालन में भी नगर परिषद फिसड्डी बन गई है। शहर की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नगर परिषद की ओर से स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई हुई देखी जा रही। हालात यह है कि शहर में नगर परिषद की ओर से बनवाए गए सार्वजनिक शौचालय की नियमित साफ सफाई नहीं हो पाती, जिसके कारण इस सार्वजनिक शौचालय में गंदगी का आलम पसरा है। आमजन इन सार्वजनिक शौचालय में लघुशंका करने से भी कतरा रहे, क्योंकि वहां से उठती दुर्गंध से हाल बेहाल है। शहर के चांगेट, चांदमल, मोदी पुस्तकालय के बाहर, रोडवेज बस स्टैंड स्थित पेशाबघर सहित कई अन्य स्थानों पर स्थित पेशाबघरों की स्थिति दयनीय है। सभी पेशाबघर पान तंबाकू की पीक से अटे पड़े हैं। यहां बने पोर्ट क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, कचरे से अटे पड़े हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत योजना है, उसके तहत शहर में कई स्थानों पर अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण नगर परिषद की ओर से करवाया गया है, लेकिन कई शौचालय अब तक आमजन हेतु उपयोग के लिए खोले तक नहीं गए हैं, लेकिन जो बने हैं उनके भी हाल खस्ता हाल है। जिम्मेदार मौन है, कहीं ना कहीं आम जनता भी इसके लिए लापरवाह बनी हुई है। उनकी जिम्मेदारी से पर्दा यहां पर साफ देखा जा सकता है। ऐसे में प्रशासन को तो सोचना होगा ही, जिम्मेदारी निभानी होगी, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आमजन को भी जागरूक होना पड़ेगा। पेशाब घर है आर समाज गली में, और महिलाओं का जो बाथरूम है उसका गेट टूटा हुआ है और उसमें हमेशा गंदगी रहती है, और दोनों बाथरूम में जो जेंट्स के हैं उनमें भी गंदगी रहती है, बराबर सफाई नहीं होती है। अतः हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इनकी प्रतिदिन सफाई हो ताकि दुर्गंध नहीं आए।